मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है। हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर श्री त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर श्री त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। हम लोग एक बार इस मंत्र को पढ़ते हैं। एक बार तीसरी कंडिका को पढ़ लो, एक बार चित्त में आ जाएगा। त्रीण्यात्मने कुरुत इति मनोवाचं प्राणम् तान्यात्मने कुरुत अन्यत्र मना अभूवं नादर्शम् अन्यत्र मना अभूवं नाश्रोषम् इति मनसा हेव पश्यति मनसा शृणोति कामा संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिर अधृते ह्रीर् धीर भीरिते तत् सर्वं मन एव। तस्मादपि पृष्ठता उपस्पृष्टो मनसा विजानाति यः कश्च शब्दो वागेव स। येषा ह्यन्तमायत्ता एषा हीना प्राणोपानो भ्यान उदान समानः। अन इत्येतत् सर्वम् प्राणेव एतन्मयो वा अयमात्मा वाङ्मयो मनोमयः प्राणमयः।
वाग आदि नाम आध्यात्मिक विभूति प्रदर्शन अनंतरम आदि भौतिक विभूति प्रदर्शनार्थम उत्तर ग्रंथम अवतारयति। ये जो दो विभाग किया ना, एक साधन का और एक साध्य का, साध्य ऐसणा और साधन ऐसणा, अपने लिए उसने तीन बनाया, वाक प्राण और मन, ये तीन अपने लिए उसने बनाया। सबसे पहले तो एक बात की श्रुति ने बात निश्चित की कि मन अस्ति, क्योंकि कभी कभी संशय होता है किसी किसी को कि जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती उसकी सत्ता में संदेह होता है, वो है भी कि नहीं है, कैसे माने उसकी सत्ता को। आँख तो हमको साफ साफ दिखाई पड़ती है, रूप रंग दिखता है, कान तो दिखाई पड़ता है क्योंकि शब्द सुनाई पड़ता है, मन की सत्ता है या केवल ब्रह्मात्र है। तो श्रुति भगवती ने निश्चित किया कि मन है, मन है। हेतु क्या दिया? हेतु ये कि जब ये मन हमारा कहीं चला जाता है तो हम सामने रखी हुई चीज को भी नहीं देख पाते। किसी ने सामने आवाज़ दिया बिल्कुल पास से, तब भी हमने नहीं सुना। क्या कहते हैं? अन्यत्र मना, हमारा मन कहीं अन्यत्र चला गया था। इसलिए इस हेतु से लोक प्रसिद्ध है, और चूंकि सामने रखा हुआ भी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आँख है तब भी तो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कोई ना कोई आँख के भीतर भी तो होना चाहिए। वो कौन है? उसी का नाम है मन। तो मन की सत्ता को सिद्ध किया, मनसा ही एव पश्यति मनसा शृणोति। मन के द्वारा ही असल में हम देखते हैं और मन के द्वारा ही हम वास्तव में सुनते। बाकी तो ये कारण है, जो आँख कान आदि है इंद्रिय, एक कारण है, माध्यम है, वास्तव में शक्ति देने वाला तो असलियत तो मन है। मन का लक्षण क्या है? मन है, उस मन का स्वरूप क्या है? काम संकल्प विचिकित्सा, विचिकित्सा हाँ, विचिकित्सा माने संशय, श्रद्धा अश्रद्धा, फिर धृति आधृति, ह्री धी भी, इतने इतके इति एतत् सर्वम, ये सब का सब जो कुछ भी है ये मन के ही लक्षण है। वैसे भी देखो, कोई हमको स्पर्श करे पीठ पर, पाँव पर, कहीं पर, और हमारी आँख ना भी देखे क्योंकि पीछे है, और उसने पीछे से छुआ, तो हम जान जाते हैं कि हमको किसी ने छुआ, किसी ने स्पर्श हमको किया। कैसे जान गए आप? बोले हमारा मन इस पूरा देह व्यापी है। अब यहाँ पर समझना, इस पंक्ति का अर्थ होगा कि मन कोई एक शरीर के भीतर एक किसी जगह में बैठा नहीं है, कि आपका हृदय के भीतर कहीं एक जगह मन बैठा है, या इस सिर के अंदर कहीं एक जगह पर मन बैठा है। तो यह मन आपका इस पूरे शरीर में पूरा का पूरा देह व्यापी है जी, एक अंग विशेष में नहीं है। अब किसी भी अंग को छुओ पता लग जाएगा ना, हाँ देखो ये हमारे पाँव का रोमा टूट गया, ये हमारे पाँव में जो है क्या हाँ कांटा लगा या कुछ और हुआ, तो किसी भी अंग में, इसका मतलब मन हमारा पूरा देह व्यापी है, पूरा का पूरा एक एक अंग में है। और ये जो मन है इसका ये लक्षण है, और ये पूरे शरीर में व्याप्त है। अब जैसे मन वैसे वाक, वैसे वाक क्यों? क्योंकि जितने शब्द हैं वो सब का पूरा जगत शब्दमयी है। ये अभिधान और अभिधेय का ही मिला जुला संसार है, ये जगत पूरा अभिधान और अभिधेय, या कह लो नाम और रूप, एक रूप है उसका एक नाम है, अभिधान है कुछ न कुछ है। तो जितना कुछ भी नामात्मक है उसकी जो व्याप्ति होती है हमारे हृदय में, वो अपने अंदर होती है,
और अपने अंदर कहाँ पर हमने समझा कि हाँ अमुक वस्तु ऐसी, शब्द सुनना और हम भीतर से उसको समझ जाते हैं। तो ये जो भीतर अभिधेय का जो प्रकाशक करने वाला है, अभिधेय को जो दिखाने वाला है, वो है वाक शब्द, और तीसरा है प्राण, मन वाणी और प्राण। प्राण भी पूरा देह व्यापी है, ये प्राण को भी किसी एक जगह पर मत समझ लेना। उसके अलग अलग कार के कारण पांच नाम दे दिए गए, प्राण अपान व्यान उदान और सम, वो पांच अलग अलग कार्य हैं, अन्यथा वो प्राण शक्ति जीवनी शक्ति पूरा शरीर में व्याप्त है। तो इसलिए ये पूरा हमारा शरीर, यह अयम आत्मा, ये शरीर कैसा है, वांगमय मनोमय और प्राणमय, पूरा का पूरा इसमें व्याप्त है। ये पांचों जो प्राण हैं उसका काम क्या क्या है, यहाँ बढ़िया भगवान भाष्यकार ने इसको वर्णन किया है, अगर पढ़ना हो तो देख लो। अथ प्राण उच्यते, एक जगह पर मिल जाएगा, अगले मंत्र के प्रारंभ होने के पहले जो है एक जगह पर मिलेगा, अथ प्राण उच्यते, है ना, मिल गया ना। अथ अथ माने अब हम प्राण के विषय में बात करते हैं, बताते हैं। तो जैसे कहते हो प्राण क्या है, तो आप लोग जैसे पढ़े हो पांच प्राण, भगवान भाष्यकार ने वो उसकी परिभाषा यहाँ कर दी है। प्राण, पांचों प्राण के काम क्या है, कई बार आपको संशय हो जाएगा या कुछ हिंदी में याद कर लिया है, प्राण का काम ये, अपान का ये, बयान का ये, है ना। अथ प्राण उच्यते, ठीक है ना, देख लेना यहाँ से। देखो प्राण किसको कहा, प्राणो मुख नासिका संचार्य हृदय वृत्ति प्रणयनात् प्राण, ये है प्रणयनात् प्राण। प्राण किसको कहते हैं, प्राण माने क्या हुआ, मुख नासिका संचार्य, कभी कभी मुख से भी आता है और ज्यादातर हम उसको, भाई मुख से भी तो कभी कभी श्वास ले लेते हो, कहते हो हवा जोर से भरो, तो मुख नासिका संचार या वहाँ से हम उसको भीतर लाते हैं, संचार माने आना और जाना, नासिका से और मुख से, ये दोनों से जाता आता है। लेकिन कहाँ तक जाता है, हृदय तक जाता है, हृदय वृत्ति ही, हृदय तक जाता है, हृदय हृदय वृत्ति प्रणयनात् प्राण, हृदय तक, आपके हृदय तक जो वायु का प्रणयन होता है, आवागमन होता है, मुख और नासिका से लेके हृदय तक जो आपका श्वास शक्ति प्रणयन कर रही है, उसी का नाम हो गया प्राण, जीवनी शक्ति आपकी प्राण है। अच्छा, उसके बाद देखो, अब हृदय के नीचे जो होगा वो अपान हो जाएगा। देखो अपनयनात् मूत्र पूरी सादेह अपानो अधो वृत्ति अनाभिस्थान, अर्धो वृत्तिर अनाभिस्थान। तो ये प्राण का स्थान हो गया हृदय, ये याद रखना, प्राण का स्थान हृदय। अपान कहाँ है, अपानयात अपनयात अपनयनात, अपनयनात माने नीचे की तरफ धकेलना। जो शक्ति, प्राण शक्ति या जो जीवनी शक्ति हमारे शरीर में से कुछ चीज़ों को बाहर निष्कासित करती है, आजकल की भाषा में कहते हैं टॉक्सिन्स, हाँ कुछ ऐसी चीज़ क्या, शरीर का जो विजाती तत्व है उसको शरीर से बाहर निकाल देना। कैसे निकालती है, मूत्र पुरीषादे, पेशाब के द्वारा या शौच वृत्ति के द्वारा, जो धकेलने का काम करती है, एक गंदगी बाहर निकल जाए शरीर से, शरीर स्वस्थ हो जाए, जो हटा रही है अपानो अधो वृत्ति, उसका नाम हो गया अपान। कहाँ, नाभि इसका स्थान है, अपान वृत्त, अपान कहाँ रह रहा है, नाभि स्थान, हाँ ये नाभि में रहता है, नाभि तक रहता है, नाभि से लेकर के, जैसे ये मुख से लेकर के प्राण यहाँ हृदय तक रह रहा है ना, तो वैसे ये जो है अब ये नाभि प्रदेश तक जो है व्याप्त रहता है, थोड़ा और अंदर गया, ठीक है। प्राण और अपान, हाँ ध्यान से समझ लेना। तो ये आगे, तो प्राण माने जो हमारा यहाँ से हृदय तक आता जाता है, श्वास हम लेते हैं। अपान माने जो हमारे शरीर से विजाती तत्वों को, खराब चीज़ों को, जो शरीर के उपयोग की नहीं हैं, उनको मल मूत्र के द्वारा बाहर निकालती है, स्थान नाभि तक है,
ना भी उसका मुख्य केंद्र हो गया, ना भी पर्यंत कह लो, हृदय से नीचे, हृदयात अधोदेशे, हृदय से नीचे नाभि तक। अब चलो, हाँ, अब इसी में शब्द होता है। तीसरा देखो, ब्यानो, ब्यान क्या है? व्यायमन कर्म ब्यानः प्राण अपानयो संधि वीर्यवत कर्म हेतुश्च, इसका नाम हुआ ब्यान। यह जो प्राण और अपान दोनों हो गया, तो ये प्राण और अपान दोनों का ब्यानो व्यायमन कर्म, ये पूरी तरह से इसको व्यायमन माने नियंत्रण में रखता है। व्यायमनम माने प्राण अपानयो नियमनम कर्म, मतलब इस पर जैसे कहते हो ना, चार मजदूर लगाया तो फिर चार मजदूरों को उस काम कराने वाला एक आदमी होगा, कौन हो गया वो? मेट, PWD की भाषा है, सुपरवाइजर है ना। तो वो करता क्या है कि उनको सबको काम में लगाता है, तुम ये काम करो और तुम वो काम करो, चलो ये वाला काम छोड़ो वहाँ वाला काम करो। तो वो जो करता है नियमन, व्ययमनम प्राण अपानयो नियमन कर्म अस्य इति, भगवान भास्कर कह रहे हैं ब्यानो व्यायमन कर्म, व्यायमन कर्म शब्द है ना, व्यायमन कर्म का अर्थ हुआ कि प्राण अपानयो नियमनम कर्म, प्राण और अपान दोनों का वो नियंत्रण करता है। ये मिल गया, ये व्यायमन का जो है व्याख्या, देखो भाष्यकार ने व्यायमन लिखा है, वो आनंदगिरी टीका से जो है उसका अर्थ निकल रहा है। हाँ हाँ, तुम लिए बैठे हो, ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, तो इसीलिए जो है अब मंत्र का अर्थ भाष्य के बगैर नहीं खुलता, भाष्य भी जो है बिना आनंदगिरी टीका के ही नहीं। तो देखो बयान क्या हुआ, प्राण और अपान दोनों का नियंत्रण करने वाला। अच्छा, फिर साथ ही साथ देखो, जब प्राण माने श्वास चल रही है तब भी उसको शक्ति चाहिए ना कुछ, अपान धकेलने का काम कर रहा है बाहर निकालने का, तब भी तो उसको बल के लिए कुछ चाहिए ना, बिना शक्ति के कैसे करेगा। तो कह रहे हैं प्राण अपानयो संधि वीर्यवत, तो प्राण और अपान दोनों के बीच में इसका जो बल है वीर्यवत, मेहनत करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, कौन? ध्यान, मेहनत ये ज़्यादा करता है। हाँ, इधर से जो है इधर प्राण का काम करेगा, इधर ए अपान का काम करेगा, दोनों का नियंत्रण करता है। वीर्यवत कर्म अरण्याम अग्नि उत्पादन आदि, अरण्याम अग्नि उत्पादन, जैसे अब पेट में जो है आपकी जो है अग्नि जल गई या कुछ और हो गया, तो ये सारा नियंत्रण ये करता है, कौन? ब्यान। हाँ, ब्यान का काम हुआ प्राण अपान दोनों का नियंत्रण करना, और प्राण को शक्ति देना, अपान को शक्ति देना, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। तो एक तरीके से प्राण और अपान का सुपरवाइजर कौन हो गया? ध्यान, है ना। अब पहले क्या पढ़े थे कि रक्त संचार करता है, यही ना, अभी तो यही बोला था ना, भाष्य में देखो, भाष्य के अनुसार थोड़ा समझ लो। तो उत्कर्षो देह पुष्टि, इसी प्रकार से यह देह पर वो थोड़ा मजबूत होगा, ताकत वाला होगा। जैसे मान लो श्वास लेते हो प्राण है ना, निकाला अपान है, हमने कहा श्वास रोको 5 मिनट तक, श्वास रोको, अभी ध्यान नहीं करना, वो स्वामी आत्मा जी कराते हैं। सभी भगत लोग आसन लगा के बैठो, 3 बार ओम का उच्चारण करो, फिर हम सत्संग सुने, है ना। अब ध्यान लगवाए, थोड़ा आसन लगवाए, उस समय श्वास रुक गई, किसने रोका? उसके लिए थोड़ा बल लगाना पड़ा कि नहीं? थोड़ा श्वास को रोकने के लिए ताकत लगानी पड़ी कि नहीं? हाँ, ना प्राण ना श्वास ले रहे हो ना छोड़ रहे हो, तो कुछ बल लगाया कि नहीं आपने? नहीं, चलो अब कौन महाराज कहते हैं टकटकी लगा के देखो, हमको पलक गिरे ना, पलक गिरे ना, जिसकी पलक गिरी वो हारा। कैसे देखो? अब टकटकी लगा के देखो, वो ऐसे कहते हैं? कौन स्वामी जी कहते हैं? अच्छा, अब टकटकी लगा के देखोगे तो आपको थोड़ा बल लगाना पड़ेगा ना, जोर लगाना पड़ेगा ना। अब कभी कभी इतना जोर लगा दोगे तो आंख से पूरा का पूरा वो पानी गिरने लगेगा, यही होगा ना।
तो वो जो बल लगा रहा, वीरवत, भगवान भास्कर का शब्द है, वीरवत ऐसे शब्द है ना, प्राणपानयो संधि वीरवत, माने उसके लिए बल लग रहा, तो इस प्रकार से उसी का नाम है ब्यान, शक्ति प्रदाता। कर्म हेतुश्च, वही कर्म करने का हेतु है, बढ़िया, ताकत का। तो तीन हो गए, प्राण अपान और ज्ञान। चौथा है उदान। उदान किसको कहते हैं, देखो, उदान माने उत्कर्ष ऊर्ध्व गमनादि हेतु आपाद तल मस्तक स्थान ऊर्ध्व वृत्ति। इतनी बढ़िया परिभाषा है। उदान क्या है, उत्कर्ष, उत्कर्ष माने, अरे सभी को उत्कर्ष पसंद आता है, अपकर्षण पसंद नहीं होता। अपकर्ष माने नीचे की तरफ जाना, उत्कर्ष माने ऊपर की तरफ जाना। तो जितना पढ़े हो और ऊपर जाओ, नौकरी में जो है प्रमोशन चाहिए और ऊपर जाओ और आगे जाओ, तो उत्कर्ष या ऊर्ध्वगमनादि हेतु हो, ऊर्ध्वगमनादि हेतु माने जब इस शरीर को छोड़ के निकलने वाला हो गए और अब जाना है उसको कहाँ, गंधर्व लोक, स्वर्ग लोक, प्रजापति के लोक, तब जो शक्ति काम करती है वो कौन शक्ति हो गई, उदान। उत्कर्ष ऊर्ध्व गमनाद हेतु, गमनादि हेतु। अच्छा, रहता कहाँ है उदान, उदान का निवास स्थान कहाँ है, आपाद तल, आपाद तल मस्तक स्थान। आपाद तल माने सिर से पांव तक सब पूरे शरीर में व्याप्त है। ऐसा मत समझना कि कहीं एक जगह पर बैठा हुआ है। पहले कहा था ना, मन जैसे पूरे शरीर में व्याप्त है, तो जब प्राण की एक वृत्ति, उदान वृत्ति पूरे शरीर में व्याप्त, प्राण को कह दिया हृदय में, अपान को कह दिया नाभि में, ब्यान को कह दिया इसके संधि में, बीच में, प्राण और अपान के बीच में, तो और ये कहाँ पर है, आपाद तल मस्तक, पूरे शरीर में ये व्याप्त है। अब ठीक है, चार हो गए, पूरे शरीर में व्याप्त रहने वाला और ऊपर की तरफ उच्छ्वास, या जैसे कहते हैं ये उदान वृत्ति सोई रहती है, ज़्यादातर सोई रहती है, हाँ कभी कभी जगती है छींक के समय। जब छींकते हो तो सिर नीचे करके कि सिर ऊपर होता है, नीचे करके कि ऊपर करके, हाँ ऊपर गया ना, हाँ तो फिर, हाँ अच्छा, जोर से खांसी आवे तो, जम्हाई आवे तो ये सब आपकी प्राण शक्ति को ऊपर खींचता है। जो ऊपर खींचने वाला है तो उस समय उदान शक्ति जगती है। सब में ऐसा नहीं, समान का देख लो, समानः समम नयनात भुक्तस्य पीतस्य च कोष्ठ स्थानो अन्न अन्नपक्ता। समान, समान किसको कह रहे हैं, समान माने जो है ये आसान सा हो गया, समम नयनात, इसका नाम समान है ना, समान क्यों कहा, सवेरे पढ़ा था ना, सम धन अन समान, तो सम माने बराबर, सबको बराबर बराबर नयनात देने वाला, ले जाने वाला, सबको बराबर बराबर ले जाके बांटने वाले का नाम हो गया समान। सबको बराबर 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 माने इतने नहीं, चार चार रोटी सबको देना, जिसको जितनी जरूरत हो। यहाँ समान का अर्थ हुआ आवश्यकता के अनुसार इस शरीर में, भुक्तस्य पीतस्य च, जो खाए हो जो पिए हो, भुक्तस्य माने खाए हो और पीतस्य माने भाई खाया, भाई खाए, भुक्तस्य माने खाए हो, क्या खाए हो, चावल दाल रोटी सब्जी है ना कि भंडारा, तो भुक्तस्य खाने को। अच्छा पीतस्य माने खाने को नहीं मिला तो क्या, भैया नारियल लिए चले आ रहे हैं, तो भुक्तस्य पीतस्य दो चीज़ हो गए है ना, खाया और, तो उससे क्या हुआ, बोले जो शक्ति मिली, जो बल मिला उसको, वो जो समान है ना, वो सब जगह बिल्कुल बराबर बराबर बांटता है, कोष्ठ स्थान अन्न पक्ता, कहाँ रहता है, पेट की जगह पे, वो भीतर रहता है, वहाँ पर बिल्कुल जो है आपके
पेट में जठराग्नि बन करके रहता है। इस प्रकार से पांचों का वर्णन हो गया, प्राण अपान व्यान उदान समान। वहाँ पर मंत्र में अन्न था ना, अन का देखो, अन का यहाँ लिख दिया, अन इत्येषां वृत्ति विशेषाणाम सामान्य भूता सामान्य देह चेष्टा अभिसंबंधिनी वृत्ति। अन क्या है? ओ एक अहम वृत्ति सबके साथ लग रही, इत्येषां वृत्ति विशेषाणाम, ये सबके साथ मैं श्वास ले रहा हूँ, आज हमको खट्टी डकार आ रही है, यही ना, हम स्नान करने जा रहे हैं, हमको भूख लगी, तो सबके साथ एक वृत्ति लग रही अहम वृत्ति, वो जो वृत्ति विशेष है वही हो गया अन्न, वो पूरे सामान्य पूरे शरीर की देह की चेष्टा के साथ जुड़ जाता है। हिचकी आ रही हमको, कुछ करो, क्या करो, तो सामान्य देह चेष्टा अभिसंबंधनी, शरीर के एक एक व्यवहार के साथ वो जुड़ जाता है, इसलिए प्राण अपान व्यान उदान समान सब में अन जुड़ा हुआ है। इति अब यहाँ पर पूरा हो गया, ये प्राण का विषय थोड़ा हमने कहा, ये पूरा आपकी परिभाषा हो गई। आगे अब जो है हम लोग अगले कंडिका में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक देखना, सावधानी समझना, तीन हुए ना, सबसे पहले मन, फिर उसके बाद वाणी और उसके बाद प्राण, तीनों का अपने भीतर निरूपण किया, इसको कहते आध्यात्मिक स्वरूप। तो तीनों के वागादिनाम आध्यात्मिकम विभूति प्रदर्शन अनंतरम, अपने अंदर की बात को बताने के उपरांत अब इसी तीनों को, वाक प्राण और मन, इसी तीनों के आदि भौतिक स्वरूप को बताएंगे, फिर आधिदैविक रूप को बताएंगे, तो तीनों हो जाएगा, दैविक भौतिक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार से ये आदि भौतिक स्वरूप है तीनों का। त्रयोलोकः यतयेव वागे वायम् लोको मनो अंतरिक्ष लोकः प्राणो असौ लोकः। त्रयो लोका, तीन ही लोक हैं, यहाँ पर हम लोग कहते हैं तीन लोक हैं, क्या कहते हो, आकाश पाताल और मर्त्यलोक, आकाश पाताल और मर्त्यलोक। मर्त्यलोक माने जहाँ पर आके हम सब हो ये कई काम करते हैं, जहाँ पर मनुष्य आकर के मरे उसी का नाम हुआ मर्त्यलोक, मृत्युलोक नहीं कह रहे हैं। मरण धर्मा आदमी जहाँ रहते हैं, मरणशील प्राणी जहाँ वास करते हैं, उसका नाम मर्त्यलोक। तो ये जो मर्त्यलोक है, मरण धर्मा वाले कहाँ रहते हैं, कहाँ पर मृत्युशील, कहाँ बोले पृथ्वी पर, पृथ्वी पर रह रहे हैं ना, जमीन पर रह रहे हैं, टिकने के लिए तो चाहिए, तो उनका भूलोक हो गया, पृथ्वी का एक नाम हुआ भू। तो जैसे वो गायत्री मंत्र में तीन व्याहृति होती है, भू भुआ और स्व, तो त्रयो लोका, तीनों लोक जो है वो उसको समझो, यत एव जो जो है, देखो वाक एव अयम भूलोका, वहाँ भू नहीं है, भू लिख मत लेना, हाँ वहाँ समझ लो, वाक एव अयम भूलोक, अयम लोका माने, अयम लोका ना माने क्या हुआ, वाक एव अयम, अयम माने ये लोग कौन है, वाक है, वाणी है, वाणी तीन था ना, तो वाक वाणी माने ये लोग, भूल लोग वाणी माने, उसको यहाँ से उसको जोड़ दो, ये सारा का सारा लोक भूर लोक जितना है मर्त लोक वाणी ही है। फिर मानो अंतरिक्ष लोक का, मन कहाँ विचरण कर रहा है, कितने कदम चला मन आपका, मन कितने कदम चला बताओ, आप कहते हो मन भाग गया, यही ना, मन भाग गया, साइकिल से गया था, स्कूटर से, कैसे भागा, तो कहाँ मन जा रहा है, तो पृथ्वी पर वो कदम कदम नहीं चल रहा है जैसे चींटी चलती है या जैसे शेर चलता है, ऐसा नहीं मन चल रहा है ना, तो मन कैसा चल रहा है, कहाँ पर, बोले भैया ऊपर चल रहा है, मनो अंतरिक्ष लो, कहा लो, वो कहाँ चल रहा है,
देखो महाराज ऊपर पर साए साए चला जाता है। काश अभी ऐसा कुछ होता कि मन के साथ शरीर भी चला जावे, मन के साथ शरीर भी चला जावे। अरे राम राम, इस समय फिर हम पेरिस में होते एफिल टावर पे ऐसे पकड़े हुए है ना, और अगले क्षण फिर केदारनाथ में होते, भगवान शंकर जी का दर्शन करते होते उसमें के। लेकिन ऐसा है ना, शरीर यहाँ रहता है और मन कहीं और चलता रहता है। तो मन के लड्डू से पेट नहीं भरता है ना, तो यथार्थ धर्म। तो लेकिन मन को आप अंतरिक्ष लोक के साथ जोड़ लो। भू भुआ, भू माने वाक, भुआ माने मन, वो दोनों हो गया। फिर प्राण असौलोक कहा, यहाँ असो माने स्वर, स्वर्गलोक, भू भुआ स्वलोक माने बिल्कुल ऊपर का। या प्राण ही आपको लेके जाता है, सूक्ष्म शरीर जाएगा ना, आप पुण्य कर्म किए, बड़े बड़े अश्वमेध राजसूय यज्ञ किया तो आप स्वर्ग जाओगे। कौन लेके जाएगा? प्राणी लेके जाएगा। आप प्रजापति के पर लोक में गए, कौन लेके गया? तो प्राणी ही सूक्ष्म शरीर को लेके जाएगा ना, तो प्राण ही स्वर्ग लोक है। अब देखो तीनों लोक, ये तीन चीज है। अब बचा क्या फिर? इसके भेद अलग हैं, इन्हीं में से सात और भेद कर लो, 14 भेद कर लो, 14 लोक कर लो, लेकिन मुख्य रूप से तीन हुआ, भू भुआ और स्व, बस मुख्य रूप से तीन, मुख्य रूप से तीन। और तीनों क्या है? वाक, मन और प्राण, बस तीनों के साथ जोड़ दिया। इसको समझ लो कि रिमोट कंट्रोल है, इतना बड़ा जो है कोई स्पेस पे घूम रहा है, एक दूरबीन। हाँ, सबसे बड़ी दूरबीन कौन सी है, कोई नाम बताएगा? इस समय सबसे बड़ी दूरबीन आकाश में हब्बल दूरबीन है। हाँ, उसी से ज़्यादातर आता है कहीं वहाँ पर, हाँ उतनी ऊंचाई पर। और उसको कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ पर बैठे हुए बटन दबा रहे हैं ना। तो आप अगर ये तीन बटन है आपके पास में, वाक मन प्राण, ये तीन बटन आपके पास रिमोट है, अगर ये ठीक से चलाना आ जाए तो ये तीनों लोक आपके काबू में आ जाएगा। ये इसका रिमोट कंट्रोल है। अब और क्या बताएं, आगे चलो। त्रयो वेदाः यतयेव वाके वर्ग भेदो मनो यजुर्वेदः प्राण साम वेदः। तीन वेद मुख्य है ना, चौथा वेद इसमें अनुसूत समझ लो, अथर्वेद को भी संभालो। तो त्रयो वेदा, तीन वेद हैं, जो यत एव, जो तीन वेद हैं उसमें वाक एव ऋग्वेद, वाणी ही ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है और प्राण आपका साम। भाई अगर आपको संगीत गाना है तो कहते हैं ये दिल लगा के गाता है, यही ना। आपको मंत्र का उच्चारण करना हो तो हम, तो दिल की जरूरत नहीं है, आप उसका उदात अनुदात से ही पढ़िए, है ना। आप उदात अनुदात सही पढ़िए, वहाँ पर आपका हृदय। और जब गायन करना हो तो पूरा का पूरा जो है भीतर से आलाप आता है। हाँ, कैसे आता है, कैसे आलाप आता है? हा, सामवेद का गायन सुनो कभी तो। हाँ, तो प्राण सामवेद है बिल्कुल, ये तीन तीनों से वेद का मुख्य हो गया। और आगे देख लो, देवा पितरो, देवा पितरो मनुष्या यतयेव वाकेव देवा मना पितरः प्राणो मनुष्याः। भाई देखो, तीन ही प्रकार के जो है हमारी जो ये जीवों की संख्या है, जीव मनुष्य में से तीन विभाग कर लो, देव पितर और मनुष्य। आप लोग हो मनुष्य, बिल्कुल सही मनुष्य हो, थोड़ा कर्म किए, ठीक ठाक कर्म किए तो कर्मणा पितृलोक का कहाँ गए आप? पितृलोक। थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया कर्म किए, बड़े बड़े यज्ञ आदि किए तो विद्या देवलोक का देवता बन गए। तीन इस प्रकार के तो हुए ना। ये आंसुर को जाने दो, वो अच्छे वाले नहीं, नीचे वाला अधोगति कीड़ा मकोड़ा की बात नहीं। मतलब मनुष्य लोक,
पितृलोक और देवलोक, वो तीनों को इन्हीं तीन से जोड़ लो। कैसे? कह रहे हैं वाक्यो देवा, जो आपकी वाणी है वही समझना कि देवता आदि हैं। तो वाक्यो देवा, वाणी ही देवा है। मना पितरा, मन कौन है? पितृलोक। भाई मनी से तो आपने सोचा आज हम दादाजी को पिंडदान करते हैं, स्वाहा क्या ऐसे ऐसे वो थाली रखते हैं ना, थाली में हल्दी डाल दिया, कुसा डाल दिया, ये डाल दिया, बोले हाथ ऐसे घुमाते रहो, हाँ ये हमारे पितर तृप्त हो जाएं, तृप्ताम वो तृप्त हो जाएं, वो तृप्त हो जाएं। भैया अब सबके लिए अलग अलग कहाँ से देवें, तो उसी में से ऐसे घुमाते रहो, तो अब हमारे पिताजी तृप्त हो जाएं, दादाजी तृप्त हो जाएं, परदादा तृप्त हो जाएं, दादी तृप्त हो जाएं, तृप्ताम तृप्ताम आप वैसे बोलते जाते तृप्ताम, और आप ऐसे जो है तर्पण कराया जाता है। और तरीका भाई होना तो चाहिए कि अलग अलग जो है सबका। अब हमने ये लिया तिल और जौ वगैरह, अब हमारे पिताजी तृप्ताम, अगर आपको गंगा जी ले गए तो वैसा कराएंगे, गंगा जी में ले गए तो वैसा कराएंगे, या कभी जो है आपके यहाँ कुछ हो गया, कुछ और श्राद्ध वगैरह तो वह कराएंगे, लेकिन जो और तर्पण वगैरह कभी सत्यनारायण कथा हुआ, कुछ और हुआ, बोले तर्पण करा लो तो ठीक है, जैसा भी है कोई बात नहीं। हाँ तो मन पितरा, मन ही पितृलोक जाता है, प्राणो मनुष्या, प्राण फिर से इसी लोक में ले आता है, प्राणो मनुष्या। ये तीन जो है मनुष्य पितर और देवता, तीनों के साथ जोड़ दो, तीनों के वाक ही देवता हैं, मन पितर है, प्राण मनुष्य हैं। अब हमारे परिवार में आ गए, मनुष्य बन गए, तो परिवार में भी तो जोड़ो इसको। इसको कहते प्राण का संबंध, देखो कैसा यहाँ कहते हैं, ये आदि भौतिक स्वरूप है तीनों का, पिता माता प्रजा, पिता माता प्रजा, यत एव मन एव पिता, यत एव मन एव पिता, वांग माता, वांग माता, प्राणा प्रजा, प्राणा प्रजा। पिता माता और पुत्र, प्रजा माने पुत्र आदि, पुत्र पुत्री, यही तो हो गए, पिता माता और पुत्र पुत्र आदि, पुत्र कन्या इत्यादि प्रजा, यही तीन हैं। तो फिर यहाँ जो ये हैं, इसमें मन को ही पिता समझो आप, ये मन ही हमारा पिता है, वाणी वाक माता, और जो प्राण हैं उसमें देखो कई भेद प्रभेद है ना, पांच प्राण हैं, पांच उपप्राण हैं, उनके काम अलग अलग हैं, तो कौन है वो सब? हमारी प्रजा हो गए, प्राणा प्रजा। और इस तरीके से जैसे देखो एक चीज़ है ना, जो पुत्र है, पुत्र का संबंध दोनों से है कि नहीं? माता से भी और पिता से भी, दोनों से संबंध है ना। पुत्र का संबंध जो है वो माता और पिता दोनों से होता है मिलकर के। उसी प्रकार से आपके प्राण का संबंध मन से भी है और वाणी से भी है, दोनों से है, मन और वाणी दोनों के साथ में उसका संबंध जुड़ाता है। प्राण शक्ति ना दे तो ना मन काम करेगा और ना वाणी, वो दोनों के साथ, दोनों का पुत्र समझ लो। इस प्रकार से हो गया एक कंडिका और, विज्ञातम विजिज्ञासम, विज्ञातम विजिज्ञासम, अविज्ञातम यत एव, अविज्ञातम यत एव, यत किंच विज्ञातम वाचः, यत किंच विज्ञातम वाचः, तद्रूपं वाग्भि विज्ञाता, तद्रूपं वाग्भि विज्ञाता, वागेनं तद्भूत्वावति, वागेनं तद्भूत्वावति। देखो अब तीन तीन विभाग करो, तीन विभाग इस जगत में है। विज्ञातम, कुछ चीज हमको अच्छी तरह से पता है, ज्ञात है। विजिज्ञासम, कुछ चीज को हम आगे जानेंगे, जिसको जानना चाहिए, विजिज्ञासस। और तीसरा है अभिज्ञातम, हमने सवेरे भी इस पर नाम लिया था, ज्ञात है, अज्ञात है, और कुछ हम जानना चाहते, जिसको हम जानना चाहते हो पूरी तरह से अज्ञात नहीं है, जिसको जो विजिज्ञास की श्रेणी में आएगा, जैसे कहा कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञास, हाँ तो वहां पर ये प्रश्न उठाएंगे कि ब्रह्म ज्ञात है कि अज्ञात। अगर ज्ञात है तो जानने की कोई जिज्ञासा नहीं हो सकती, और अज्ञात है तो भी जानने की जिज्ञासा नहीं हो सकती। जो चीज़ पूरी तरह से पता ही नहीं है, पूर्णतया अज्ञात है, उसको कैसे जानना पाना चाहोगे?
और जो जान लिया, जो पता हो गया, उसको भी कैसे जानना चाहोगे? तो बीच की एक श्रेणी है कि कुछ कुछ तो हमको पता है और पूरी तरह से हमको पता नहीं, ठीक है ना भाई? आपको एक उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद होता है, 4 महीने पहले आपको ज्ञात था, विज्ञात था कि अज्ञात था? 6 महीना पहले बृहदारण्यक उपनिषद का नाम सुना था कि नहीं? सुना था ना? पूरी तरह से ज्ञात था अंदर क्या क्या लिखा हुआ है सब? तो पूरी तरह से ज्ञात नहीं था। अच्छा, पूरी तरह से अज्ञात था कि उपनिषद नाम की कोई, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं उपनिषद क्या होता है ना? तो उनके लिए पूरा अज्ञात है, तो उनके भीतर इच्छा नहीं होगी। जिसने सुना था, कई बार हमने मान लो प्रवचन में कह दिया कि ब्रह्म सूत्र में इस विषय पर बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर कहा गया, पंचदशी पढ़ाया होगा तो वहाँ आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम होते, इस पर विस्तार में था ना, तो वहाँ हमने कहा होगा कि बृहदारण्यक के आधार पर ये प्रसंग है। तो सुनते सुनते थोड़ा ज्ञात हुआ और वहाँ से जिज्ञासा हुई कि हमको ये बृहदारण्यक सुनना है, तो जिज्ञासा हो गई ना। तो पूरा ज्ञात भी नहीं और पूरा अज्ञात भी नहीं। तो विज्ञातम विजिज्ञासम विज्ञात अभिज्ञातम यत एव यत किंच विज्ञातम। अरे भैया तीनों को जोड़ो, देखो विचार करना, यत किंच विज्ञातम, जो कुछ भी ज्ञात की श्रेणी में है वो सब का सब वाचः, वो सब वाक ही है, शब्द ही है। जो कुछ भी ज्ञात है वो सब शब्द रूप है। आप कोई भी विचार भी करते हो तो शब्द रूप करते हो, आपका एक एक जो वृत्ति चलती है वो शब्द रूप चलती है। मैं अभी जाऊंगा, फिर खाना खा के आऊंगा, ये सब शब्द है कि नहीं है? हाँ, आपने व्यवहार में बोला ना, मैं अभी थोड़ा रुको, अभी मैं भी आता हूँ, हमको भी साथ लेते चलिए। आप जितना भी व्यवहार करते हो पूरे संसार में, वो सब का सब केवल शब्दों का जोड़ है, और क्या है? अगर शब्द ना हो और आप कोई चीज़ सोच के दिखाओ, शब्द ना हो और आप सोच के दिखाओ कोई भी चीज़, क्या सोचोगे? जंगल शब्द है कि नहीं? फल शब्द है कि नहीं? जंगल में भालू शब्द है कि नहीं? माला चाहिए एक शब्द है कि नहीं? माला, जितनी वृत्ति चलती है आपकी, सबका सब सारा जगत आपका शब्दमयी है, केवल अभिधान मात्र है और कुछ भी नहीं। शब्द निकाल दो, आप परम शुद्ध हो गए। क्या हुआ, नहीं जमा कुछ? हाँ, वाचा यत किंच विज्ञातम वाचः तद रूपम वाग भी विज्ञाता। और फिर यह जो शब्दमयी है उसको देख करके उसको चित्तवृत्ति में आई तो आपने कहा क्या? मैं ही जानता हूँ, मैं ही विचार करता हूँ, वाग भी विज्ञाता। भीतर ए वाणी का जो अभिमान करने वाला है, शब्दों का जो सोचने का अभिमान करने वाला, जिसको हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे परसीवर फीलर एंड थिंकर, वो कौन है? कहते हैं वही है, वही है। वाग एनम तद भूत्वा अवति, जो ऐसा जानता है, वाग एनम ये वाणी ही उसकी तद भूत्वा अवति होकर के उसकी रक्षा करती है। जो ऐसा विज्ञात को जानती है, विज्ञात और वाणी में एकत्व को, जितना विज्ञात है शब्दमय है, वो शब्द को जानने वाला मैं हूँ, जो इसको रहस्य को जानता है वाणी उसकी हमेशा रक्षा करती है, अवति रक्षा करती है। सारा जगत शब्दमय है, उस शब्द को जानने वाला कौन? मन के भीतर शब्द चला, उसको जानने वाला मैं हूँ, मैं हूँ। जो ऐसा समझता है, जो ऐसा समझता है, ये वाणी हमेशा उसकी रक्षा। तो वाक तो तीन था, तो वाक कौन है? वाक ही सारा विज्ञात जगत है। दो रह गया, विजिज्ञास और अभिज्ञात, है ना? ये दोनों भी पढ़ लें क्या? हाँ पढ़ लो, सरल सा है। यत किंच विजिज्ञास्यम मनसस्तद रूपम मनो ही विजिज्ञास्यम मन एनम तद भूत्वा अवति यत किंच अभिज्ञातम
प्राणस्य तद्रूपम् प्राणो ह्य विज्ञाता प्राणेनम् तद्भूत्वा अवते यत किंच विजिज्ञास जो कुछ भी अभी जानना बाकी है वो कैसा है मनसस तत्रूपम हम मन से सोचते हैं अमुक चीज को अभी समझना है मनो ही विजिज्ञास्यम ये मन के द्वारा ही वास्तव में मन ही या विजिज्ञास्य है इसलिए जो ऐसा समझता है मन उसका हमेशा रक्षा करता है यत किंच अभिज्ञातम जो कुछ अभिज्ञात है वो प्राण का ही स्वरूप है प्राणस्तद रूपम प्राणो ही अभिज्ञाता अरे प्राण दिखाई नहीं पड़ता प्राण तो अभिज्ञात है ध्यान भी आदमी नहीं देता जिंदा है उसकी कोई कीमत नहीं सबसे ज़्यादा कीमती श्वास और उसकी बेचारे की कभी कोई खबर भी कहाँ जिंदगी के जा रहा है घर पालना है बच्चों को पालना है नौकरी करना है रुपया कमाना है हल चलाना है धन कमाना है ये करना है वो करना है और जो श्वास चल रही उस पर हाँ वो बेचारा अभिज्ञात ही है सबसे कीमती और सबसे ज़्यादा उपेक्षित क्या हुआ नहीं जम रहा कभी इस श्वास के लिए कुछ किया आपने मुंह के लिए तो आपने कुछ किया गला खराब ना हो जाए तो दही नहीं खाया खटाई नहीं खाया इस कुछ किया है ना दांत में दर्द हुआ तो दवाई खाया श्वास के लिए कभी कुछ किया अब तो कि चूंकि आपकी ठीक नहीं चल रही है तो आप इनहेलर लीजिए अनुलोम विलोम करिए प्राणायाम करिए क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जिससे वो सिस्टम गड़बड़ा गया है ना अन्यथा श्वास के लिए कौन कुछ करता है अभिज्ञात है बेचारा श्वास के लिए मास्क लगाओ आप अभिज्ञात है तो ये कौन है अभिज्ञात बोले प्राण है जो चीज़ अभिज्ञात है उसे प्राण है और जो ऐसा समझता है ये प्राण उसकी हमेशा रक्षा करता रहता है तो विज्ञात अभिज्ञात और विजिज्ञास्य तो वाक जितना है विज्ञात है अभिज्ञात जितना है वो प्राण है और विजिज्ञास जो है वो मन है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।